नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त एवेंजर राइडर। आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आप सबका फिर से स्वागत है। ये वीडियो है जो टायर का मॉडिफिकेशन किया है मैंने, रेलको टायर का। इसके बारे में, टायर का साइज़ है 140/90/15, क्योंकि पुराना जो इसका स्टॉक टायर है वो 130/90/15 का है। तो ये टायर इंस्टॉल करने के लिए मुझे कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़े, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, और इस टायर का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये टायर फिट करने से बाइक का हाइट इतना बढ़ चुका था कि मेरे जो एंड्योरेंस के जो शॉक ऑब्जर्वर थे, जो थंडरबर्ड नाइट्रॉक्स बुलेट के नाइट्रॉक्स शॉक ऑब्जर्वर, तो मुझे निकालने पड़े और मुझे मेरे पुराने वाले ये स्टॉक शॉक ऑब्स फिट करने पड़े, क्योंकि बाइक की हाइट इतनी बढ़ गई थी कि क्योंकि ये टायर 140/90/15 है, तो थोड़ा ये टायर हाइट में थोड़ा ऊंचा है, तो ये जो मेरे एंड्योरेंस के शॉक ऑब्जर्वर थे वो तो पहले से ही थोड़े ऊंचे थे हाइट में, तो बाइक की हाइट ऐसी हो चुकी थी लगभग पल्सर 220 या 150 का ही है, उतनी हाइट हुई थी गाड़ी की। तो ये क्रूज़र का जो मज़ा है, क्रूज़र बाइक का, वो मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने वो मेरे जो शॉक ऑब्जर्वर थे वो निकाल के ये स्टॉक शॉक ऑब्जर्वर फिट कर दिए। फिर यहाँ पे जो चेन कवर बैठा है, आप देख सकते हैं ये चेन कवर यहाँ टायर को लग रहा था, इस हिस्से में, ये देखिए थोड़ा ब्लैक अभी भी निशान है थोड़ा। तो चेन कवर मैंने पहले काट के देखा, फिर भी कुछ बात नहीं बनी, तो फिर मैंने सीधा वो काट के निकाल ही दिया। तो शॉक ऑब्जर्वर चेंज किया, चेन कवर काटने पड़े। तो हाँ, तो ये थे चेंजेस जो मुझे करने पड़े ये टायर फिट करने के लिए। तो ये इतने सब चेंजेस करने पड़े मुझे, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था, क्योंकि ये टायर जब मैंने फिट किया तो इस टायर की चौड़ाई देखिए आप, कितनी चौड़ाई है ये टायर की, बहुत ही अच्छा फैट टायर है। साइड्स के ग्रिप भी इसके बहुत अच्छे हैं, देखिए। ये टायर फिट करने के बाद जो रोड पे जो बाइक टच होके चलता है, जो स्टेबिलिटी मिलता है, जो फिशटेलिंग बंद हो गया गाड़ी का, वो तो ज़बरदस्त था। आप गाड़ी कैसे भी लीन कीजिए कॉर्नर पे, गाड़ी अपने आप थोड़ा सा हैंडल घुमाने पे गाड़ी अपने आप लीन होती है और वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाती है थोड़ा सा हैंडल घुमाने के बाद। तो ये हुआ इसका एडवांटेज। और ब्रेकिंग में तो इतना मस्त इससे फ़ायदा हुआ है ब्रेकिंग का, कि पहले जो ब्रेकिंग का जो प्रॉब्लम होता था, ब्रेक दबाने के बाद थोड़ी स्किट करती थी गाड़ी, जो कि एवेंजर का पहले से ही प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। अभी स्टेबल ब्रेकिंग है इसका, ब्रेक दबाने पे गाड़ी अपने आप रुक जाती है, फिश टेलिंग नहीं करती है। बस सिर्फ इसका वेट ग्रिप क्या है, कीचड़ भरे रास्ते पे, कॉन्क्रीट पे जब पानी होता है कॉन्क्रीट के रोड पे, तो वो अभी तक मुझे देखना है इसका वेट ग्रिप कैसा है। हाँ, और इसका डिसएडवांटेज सिर्फ एक ही है कि इससे थोड़ा माइलेज में कमी हुआ है, 3 से 4 किलोमीटर का माइलेज मेरा डाउन हुआ है गाड़ी का। पहले 45-43 तक देती थी बाइक, अभी 40 तक हो चुका है एवरेज। तो क्या जिसको ये गाड़ी का, ये टायर का एक ही सिर्फ डिसएडवांटेज है कि एवरेज इससे डाउन होता है, माइलेज आपका 2-3 किलोमीटर तक कम हो जाता है, बाकी इसका प्रॉब्लम कुछ नहीं है। हाँ, ये टायर बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर कंपनी ये टायर 130/90/15 ये साइज़ में बनाती है तो मेरे हिसाब से ये टायर नंबर 1 होगा इंडिया में, बहुत चलेगा ये टायर। ये कंपनी वाले अगर सुन रहे हैं ये वीडियो देखेंगे कभी फ्यूचर में, तो 130/90/15 बनाओ रेलको का, बहुत चलेगा। ये टायर ट्यूबलेस है, इसमें ट्यूब नहीं है, तो मेरा जो पुराना ट्यूब था IRC का, मैंने उसमें वो ट्यूब डाल दिया 130/90/15 का। तो सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि इससे माइलेज में ड्रॉप होता है थोड़ा, बस बाकी कुछ नहीं है, गाड़ी एकदम स्टेबल है, कॉर्नर पे कैसे भी घुमाओ गाड़ी अपने आप हैंडल वापस सीधा थोड़ा घुमाने पे अपने आप स्ट्रेट हो जाता है, गाड़ी रोड पे एकदम चिपक के चलती है, स्टेबिलिटी है, ब्रेकिंग में बहुत बढ़िया इससे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है स्किडिंग का, थोड़ा जो स्किड होता था पहले ब्रेक दबाने पे, ब्रेकिंग के लिए ये टायर ऑसम है। और क्या, और कुछ नहीं, बाकी तो एवरेज का ही, माइलेज का ही सिर्फ फ़र्क पड़ा है थोड़ा, बाकी कुछ नहीं है। ये टायर आप इंस्टॉल कर सकते हो, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये टायर का प्राइस पड़ा मुझे 2500 में, ट्यूबलेस टायर है, 1 ईयर की इसमें वारंटी है, गारंटी नहीं है ये टायर को, 1 ईयर की वारंटी है, 1 ईयर में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो सॉर्ट आउट करके मिलेगा इससे, बाकी कुछ नहीं है आगे। ये तो मैंने इस MRF FY1 लगाया था, बट वो टायर का ज़्यादा लाइफ नहीं चला, वो 14-15 हज़ार किलोमीटर में उसका प्रॉब्लम हो गया, तो फिर से मुझे ये जो अपना स्टॉक टायर है MRF का जैपर, ये मुझे फिट करना पड़ा। आप देख सकते हैं ये मुझे टायर पड़ा 1600 में, ये भी टायर ट्यूबलेस है,
जो मेरा टायर था ट्यूब था स्टॉक का, वो मैंने इसमें डाल दिया है और कुछ नहीं। कोई ये टायर फिट करना चाहता है तो बिंदास फिट करे, बहुत ही ब्रॉड टायर है, ग्रिप भी अच्छा है, ऑसम है। सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि आपका एवरेज इससे ड्रॉप होना है, 3 से 4 किलोमीटर का तो पक्का एवरेज आपका ड्रॉप होगा इससे, बाकी कुछ नहीं। और कुछ वीडियो होगा तो मैं बनाऊंगा, तब तक के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं डालते रहूँगा। बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है टायर में, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप माइलेज ओरिएंटेड है तो मत बिठाइए, और ये सब आपको इसमें फिर मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, चेन कवर वगैरह निकालना पड़ेगा। ये चेन थोड़ा मेरा गंदा हो चुका है क्योंकि डेली ऑफिस जाने आने से मुझे टाइम नहीं मिलता है क्लीन करने के लिए। बाइक का सर्विसिंग वीडियो है तो मैं सब उसमें ही चेन क्लीनिंग वगैरह कर दूंगा, ठीक है। और कुछ वीडियो रहेगा बाइक के इसमें मॉडिफिकेशन का तो मैं इंस्टॉल कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।